नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर के है और यूपी बोर्ड फिर बुलंदियों पर, बेटियाँ 89.78% रिजल्ट रहा टॉपर्स का, जो कि हाई स्कूल में पास हुए हैं टोटल विद्यार्थी, और 75.52% रहा इंटरमीडिएट में जो है रिज़ल्ट। दसवीं में सीतापुर की प्रियांशी ने टॉप किया। वहीं 100 वर्ष के अपने रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीएसई को पीछे छोड़ते हुए यूपी बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी कर दिया। साथ ही साथ अब स्कूटनी वगैरह के भी कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं और तय समय पर रिजल्ट दिया गया और पुनः परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट की नहीं कराई गई। हालांकि कई दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा बोर्ड को, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कोरोना के कारण इंटरमीडिएट में कम हुआ पास परसेंटेज, 75% लगभग अभ्यर्थी पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज रेट है पास होने का बच्चों का, वो घटा है और घटने के पीछे था कि हाई स्कूल में बच्चे प्रमोट हो गए थे, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट में उनको मेहनत करने में दिक्कत हुई और वो उतनी संख्या में पास नहीं हो पाए। देखिए, शुभ छपरा 489 अंकों के साथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज चखरी महोबा से टॉपर रही हैं इंटरमीडिएट में। सौरभ कांगवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस तरह से टॉप करने वाले अभ्यर्थियों की सूची रही है। हाई स्कूल में कुल 337,000 अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जो एक सब्जेक्ट पर फेल रहे हैं। एक विषय में फेल छात्र पास हो सकते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देनी होगी। और आगे दिया है, 19 मई तक स्कूटनी के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के सामने परिणाम जो आए हैं उसकी 19 मई तक स्कूटनी की परीक्षा हेतु आवेदन मांगे गए हैं। और सेम वेबसाइट है जिस पे आपका रिजल्ट आया है, 500 रुपये शुल्क लग रहे हैं। उस शुल्क के साथ आपको आवेदन करना है। जिन अभ्यर्थियों का गड़बड़ हुआ है वो सही करवा लें अपना।